नक्सली हमले में शहीद हुए नेता महेंद्र कर्मा के पीएसओ शफी खान का भी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत पहले से बेहतर है, मगर जो खौफनाक मंजर उन्होंने देखा है, झेला है, उसको भुला नहीं पा रहे हैं। खान साहब, कैसे हुआ था ये सब? सर, हम इस पहाड़ी के पास कुकनार से गुजर के पहाड़ी के जैसे पहुंचे उस समय मतलब अचानक गोलियां चालू बरसाने लगी। हमारी गाड़ी पूरी जो पहाड़ी के नीचे ही गिर गई थी, आगे से जाम किए हुए थे, वो तुरंत गोलियां बरसाना चालू कर दिए। कम से कम 2.5 से 3 घंटा गोली चली। तो क्या कर्मा साहब को ढूंढा जा रहा था वहां पे क्या? हाँ, वो चिल्ला रहे थे बाहर निकलो, कर्मा जी को बोल रहे थे बाहर निकलो, और हमारी गाड़ी में ही पहले हमला हुआ था। हम कर्मा जी के ओपीएस गाड़ी है, उसी में पहले हमला किए थे। वो साहब तो बचे हुए थे, हम लोग गोली चलाए कम से 2.5 से 3 घंटा तक। आप लोगों की तरफ से भी गोलीबारी होती रही? हमारा पूरे गोली तथा हम लोगों के पास उसे चला दिया, और हम लोग कंटेक्ट भी करना चाहे अपने पीएच वगैरह से, और वहाँ टावर नहीं था, मोबाइल था हम लोग पास, किसी कंटेक्ट नहीं हो पाया। तो क्या पुलिस का सुरक्षा इंतजाम भी कम था क्या? पुलिस का जो साहब को दिए थे एक फालो, एक जो है वो दिए थे फालो दिया था, एक पायलट दिए थे। अब हम लोग पीएसओ थे, मतलब जो 7-8 आदमी करीबन। तो क्या कर्मा साहब ने सरेंडर भी किया था? गाड़ी से निकल के बाहर आ गए थे, क्या उन्होंने कहा था कि और लोगों को छोड़ दो? नक्सली पूरे जो है एक एक टूट पड़े थे, जब फायरिंग बंद हुआ तो पूरे 100-150 नक्सली आके सबको जो है सिलेंडर कर दिए। तो उसके बाद जो पहाड़ी में ले गए, पहाड़ी में लेके जाने के बाद साहब को मार दिया कर्मा जी ऊपर में। आप लोग कैसा लगा कि आप लोग बच पाओगे? कभी ऐसा लग रहा था? मेरे को पकड़ के रखे थे, मेरी गोली लगी हुई थी, तो मेरे को बोले तुम रोड में लेट जाओ। मैं रोड में मेरे को लेटा दिए, उसके बाद जो है सभी कर्म 8-10 आदमी को जो है पहाड़ी में ले गए, तो उन लोगों को वहां से छोड़ दिए। जिस रूट की बात की जा रही थी, रूट वही पहले से था या रूट बदला गया था? वही रूट था जिसे गए थे हम लोग, उसी रूट से था। अब लोग सुकमा से आके ये दरबा होते हुए वो अपना जगदलपुर आ रहे थे प्रोग्राम के बाद। निशाने पे कर्मा साहब ही थे, वहीं को निशाने बनाए, उनकी गाड़ी में ही पहले हमला हुआ था। सबसे आगे मतलब अपना उसे पटेल जी की गाड़ी थी सबसे आगे, और 3rd नंबर पे कर्मा जी की थी। उनके जो हथियार थे किस टाइप के थे? किस टाइप के हथियार थे वो? उनके पास जो है SLR थे, AK-47 थी, पिस्टल थे, और वायरलेस सेट वगैरह थे, और कुछ मोटर वगैरह भी रखे थे। महिलाएं बच्चे भी थे क्या उनमें? कम से कम 7-8 लड़कियां थी, सब मतलब पूरे हथियार लेस थे। बच्चे वगैरह? बच्चे लोग वगैरह नहीं थे, और पहाड़ी के चारों तरफ से घेरे हुए थे। कितनी देर होता रहे सब? 2.5 से 3 घंटे तक चलता रहा। ये सब थे, ये थे महेंद्र कर्मा साहब के पीएसओ शफी खान, जो कह रहे हैं कि जो खौफनाक मंजर इन्होंने देखा है कभी नहीं भुला पाएंगे। और कर्मा साहब ही मेन टारगेट थे, नक्सलियों ने उनको घेर के मारा, उनकी गाड़ी पे ही सबसे पहले हमला किया। ब्रजेश राजपूत, EBP News, रायपुर।